Z5 ऐप डाउनलोड करी और देखी पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे चंदा, तुम्हारे उंगली में घाव कैसे लगल? का भाई? महादेव बाबू कुछ ना, बस हमरा के सजा मिलल, हमार वजह से आपके कितना दुख झेले के पड़ल ना। सॉरी महादेव बाबू। अब प्रसाद में सड़ा हुआ लड्डू निकल गए, तुम्हार का दोष है? दोष है ही ना माधव बाबू, आप चाहे कुछ भी बोल, लेकिन आपकी ही हालत के जिम्मेदार तो हम ही है ना। ना हम आपके ऊपर साथ देती, ना आपकी ये हालत होती, आप चाहे कुछ भी बोली माधव बाबू, लेकिन हम अपने आप को कभी माफ ना कर पाए। आपके जो दुख झेले के पड़ा ला वो हम महसूस कर सकते, कैसे कि हम रखे भी हमरा के? तो फिर कैसे करोगी फर्जी सिग्नेचर? अरे कभी तो अकल वाला बात क्या करो, हमेशा बेवकूफी वाला ही बात करती हो तुम। आप लोग सिर्फ साइने के चक्कर में पड़े रही, उधर अलगे बवाल हो गया। हम बाबा के पास गए थे, बाबा हमको बताया कि चित्रा की आत्मा उनके चंगुल से बहुत पहले ही निकल गई। कब हुआ, कैसे? बाबा हम लोग को बताए काहे नहीं, खबर काहे नहीं किए? अरे वो इसलिए अम्मा कि वो फिर से चित्रा की आत्मा को पकड़ना चाहते थे, बहुत दिन हो गया है उसको भागे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि तलाक के पेपर के बारे में उसको पहले से पता चल गया था। अब हम समझे, चंदा का उंगली कटना एक संजोग नहीं था, बल्कि ये सब चित्रा की चाल थी। इससे पहले कि वो कुछ और करे, हमको उसको रोकना होगा। लेकिन अम्मा हम लोग कैसे रोकेंगे उसको? अब यही काम करेगा रुद्र, तुम एक काम करो, इसको घर के कोने कोने में छेद दो, और हाँ घर के मेन दरवाजे पर भी। अब देखते हैं कि हमरे काम में वो कैसे रुकावट डालती है। तू तो ठीक है अम्मा, लेकिन एक बात बताइए, माधव भैया घर पर हैं, हमसे सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे उनको? उसका भी उपाय है हमारे पास। माधव के दूध में नींद की गोली मिला देंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।